नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि नेकर के नाप से नेकर कैसे काटें, वो भी बड़ी नेकर। ठीक है, इसकी लंबाई जो है वो 16.5 है और 1 मीटर कपड़े में। तो सबसे पहले मैं इसकी जो है लंबाई आपको दिखा देता हूँ नाप के। ये देखिए, ये 16 इंच है और जो है इसकी चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई आप जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा रख दें तो इसकी चौड़ाई है 15 इंच तैयार, यानी कि जो है तैयार है 15 इंच। और जो है मोहरी की बात करें तो मोहरी जो है वो है यहाँ पर 14 इंच। और यहाँ पर लटक की बात करें तो इसकी जो है वो है 13 इंच। तो इस हिसाब से जो है अब हमको इसको काटना है, फिर इसकी जो है सिलाई करेंगे वो भी पॉकेट लगा के यहाँ पे। तो सबसे पहले जो है ये है हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख मैं आपको कपड़ा नाप के दिखा देता हूँ। देखिए ये डबल है, तो डबल में जो है ये देखिए ये 1 मीटर है, 1 मीटर से 2 सेंटीमीटर कमी है। तो जो है और इसकी जो है अरज की बात करें तो अरज जितनी है आपको सब रख देनी है। तो 16.5 है यहाँ पर अरज, तो अरज जो है यहाँ पर 16.5 आ रही है तैयार घेर में। अब हम इसको काटते हैं। तो देखिए नारा अगर आप निकालना चाहें तो नारा यहाँ से निकाल सकते हैं खड़े कपड़े में, मैं आपको दिखाता हूँ। तो नारा निकालने के लिए आपको पतली पट्टी यहाँ पर काटना होगी, ज़्यादा चौड़ी ना काटें ताकि जो है बड़ा न करो तो जो है घेर में कोई दिक्कत ना हो। ये किनारे वाली हम निकाले ले रहे हैं, ये देखिए पतली पट्टी निकाली, इसी किनारा बना देंगे क्योंकि किनारा है तो मजबूत रहेगा। तो ये तो हो गई। अब हमें देखिए फोल्ड हमने किस तरीके से करा है, ये खुला हुआ पूरा है, ठीक है, इस तरीके से है। तो हमको इस तरीके से हमने डबल किया इसको। इसको डबल करने के बाद हमने इस तरीके से इसको रख दिया, ये देखिए इस तरीके से। अब इसकी लंबाई कितनी थी, 16। तो हम सबसे पहले ऊपर जो है इसको 2 इंच जो है छोड़ देंगे वो मोड़ने के लिए, इस तरीके से। इसमें चाक नीली चलेगी नहीं तो मैं स्केल से लगा देता हूँ निशान। ये देखिए 2 इंच हमने छोड़ दिया। अब हम ये यहाँ पर 16.5 चाहिए, तो 16.5 देखिए यहाँ पर आ रही है पूरी। रुमाली के लिए हम यहाँ से नहीं निकालेंगे नीचे से, वरना हमारा नेकर जो है वो छोटा हो जाएगा और लटक भी कम हो जाएगी। तो यहाँ से हम इस तरीके से इसमें स्केल से लगा लेते हैं। इधर भी ये नीचे का हिस्सा है, जो छोटा वाला हिस्सा होता है वो नीचे का होता है, इसमें हम 1.5 इंच छोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर नीचे पतला होता है, ऊपर नेफे के लिए हम चौड़ा निकालते हैं। तो ये चीज़ हो गई। अब इसमें करना आपको कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमें रुमाली के लिए यहाँ पर निकालना होगा, तो हम किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पर इस तरीके से निकालेंगे, ये है इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर कितना है, इस यहाँ पर 2 इंच है, 2 इंच है यहाँ पर, 2 इंच एक सूत यहाँ पर निकाल देंगे और क्रॉसिंग में रखेंगे रुमाली इस तरीके से। यहाँ पर जितना कपड़ा है हम फुल निकाले दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारे रुमाली का हो गया और यहीं से जो है हमारी क्रास भी हो गया ऊपर का। ये देखिए ये 4 पल्ले हैं, 2 और 2 4। तो इसमें बीच में जोड़ लगा के पक्की लब जो है पूरा यहाँ पर पक्की लब मैं आपको बना के दिखाऊंगा, इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये भी इसका भी ये हमने बनाया है, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बनाया है। इसकी भी जो है इंटरनेट पे ये पड़ा हुआ है, आप चाहें तो इसको भी देख सकते हैं ऐसा। ये देखिए पक्की लब जो है ये बनी हुई है, ये देखिए इस तरीके से बनेगा, बहुत ही फर्स्ट क्लास। और फिर जो है नाप के लिए यही आया है।
तो इस तरीके से इसकी ये रुमालियाँ कट गई। अब हमें क्या करना है, अब इसको जो है हम इधर से काट लेंगे, ये पल्ले हो गए। अब इस पे कुटका लगाते हैं, इसको इस तरीके से फोल्ड करके फिर हम जो है, अब हमारी मोहरी कितनी थी, 14 थी तैयार, तो यहाँ से इस तरीके से रखते हैं। तो ये देखिए ये 14 आ रही है, लेकिन जो है यहाँ पर थोड़ी सी आरज यहाँ पर कम है, क्योंकि ये कपड़ा जो है ये शर्ट का था, ये नेकर का है, तो इस वजह से जो है हम इसकी मोहरी थोड़ी सी कम कर देंगे, 13.5 कर देंगे। तो यहाँ पर हम काट लेते हैं 13.5, और जो है यहाँ पर जो है यहाँ से कितना था हमारा 12.5 तैयार, तो यहाँ पर हम जो है 12.5 तैयार था, तो यहाँ पर हम इसमें छटेगा भी और पक्की लब भी जाएगी, तो यहाँ पर हम 13.5 यहाँ पर काटते हैं इस तरीके से गुलाई में। ये हो गया, इधर साइड में हम थोड़ा सा कट लगाएंगे, इतना मोड़ लेंगे। इसकी नाप मैं आपको बता देता हूँ, 3.5 आप यहाँ पर कट लगा दें और मोड़ लें, ठीक है। ये हमारा नेकर कट गया, ये देखिए इस तरीके से, और ये हमारी रुमाली हो गई। अब रुमाली आप कहेंगे पतली है, पतली नहीं है, देखिए यहाँ पर इस तरीके से आपकी रुमाली आएगी चौड़ी बिल्कुल, जब हम जोड़ लगा के इसको इस तरीके से तैयार करेंगे तो इस तरीके से आएगी, और रुमाली भी बड़ी निकलेगी इसमें, ऐसा नहीं है ज़रा सारी निकल गया है, रुमाली भी बड़ी निकलेगी। तो इस तरीके से आप जो है, मैं इसकी स्टाइचिंग आपको बताऊंगा अगले पार्ट में, और उसमें पॉकेट भी लगेगी, बहुत सब मैं आपको बताऊँगा। ये इसमें नारा निकल आया, नारे की वजह से थोड़ी सी अरज कम हुई है इस वजह से, इसीलिए जो है अगर आप नारा ना निकालें तो ऐसे ही निकालें, लेकिन थोड़ी सी अरज कम होने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लंबाई भी अगर आपकी चाहिए 16 तो बिल्कुल फिक्स आएगी। अब यहाँ पर मैं आपको नाप के दिखा देता हूँ, ये देखिए इतना हम ऊपर फोल्ड करेंगे और इतना नीचे, तो 16 बिल्कुल सही आ रही है यहाँ पर। और अगर हम रुमाली यहाँ पर निकाल देते बेड़े में, ठीक है, बेड़े में अगर रुमाली निकाल देते तो क्या होता है, लंबाई हमारी 13.5 से ज़्यादा नहीं निकलती, क्योंकि हमें रुमाली के लिए कपड़ा चाहिए होता है, और वो भी अगर चौड़ी रुमाली निकालते बिल्कुल 4 इंच का कपड़ा काटते तो जो है, तो हमारी जो है ये 12.5 निकल पाती लंबाई इसकी। तो इसी तरीके से आप लंबाई अपनी जो है इसकी बढ़ा सकते हैं इस तरीके से, जैसे मैंने बताया है। सिलाई मैं अगले पार्ट में बताऊंगा, तो उम्मीद करता हूँ ये दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तक के लिए नमस्कार।